ये हमारा तेल है, लेकिन इसका आप देख सकते हैं जा रहा है। वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहता था आपका उधर? छत्तीसगढ़ तरफ में थोड़ा हार्ड रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा जंगल ज्यादा है, नक्सलवादी। छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में। नक्सली? बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ। बहुत बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप, सच में अच्छा लग रहा है आपके साथ टाइम बिताने से, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। गुजरात में बनाया मैंने 2 महीना। 2 महीने गुजरात में? तो भाभी बनाती है बढ़िया कि आप बनाते हो? अभी तो मैं ही बनाता हूं। सही बताना तो, दोनों में अगर टक्कर हो जाए तो खाना किसका बढ़िया है? सब्जी तो मेरी होगी। ये इनका पूरा सेटअप है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अभिमन्यु और मैं आप सभी लोगों का नोमैडिक अभिमन्यु पे फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं एक डिफरेंट जगह। फूड ब्लॉग है लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ फूड ब्लॉग मिलेगा आपको, क्योंकि इस फूड ब्लॉग के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आज मैं एक ट्रक ड्राइवर भाई साहब हमारे उनके पास आया हूँ, और वो कैसे खाना बनाते हैं, क्या उनको दिक्कतें होती हैं, कैसे उनकी लाइफ चलती है, कितनी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, और खाना वो कैसे बनाते हैं, वो सब हम आज कवर करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। क्या ज़्यादा टाइम लेता है आपका हमारे साथ? भाई साहब क्या नाम है आपका? राजू भाई हमारे साथ। कहाँ से, कहाँ के? राजू भाई आप अजमेर किशनगढ़ के हैं ये? तो आप कहाँ से कहाँ तक गाड़ी चलाते हो? फिर भी कहाँ कहाँ गाड़ी चलाते हो? पूरे इंडिया घूमे में? पूरे इंडिया। बताओ कि क्या आपको दिक्कतें रहती है, क्या परेशानी रहती है? ये तो बिगड़ी है ना, आपको यहाँ बना लो खाना वगैरह। आप क्या बना रहे हो खाने में, बताओ आज? आप सुबह तो दाल बनाते हैं और देखते हैं कि सेटअप कैसा है इनका, क्या कैसा है, और धीरे धीरे इनसे बाद में बात करेंगे। राजू भाई से खुलेंगे, उनकी क्या परेशानी होती है गाड़ी चलाते हुए, या कोई समस्याएं होती है, कोई परेशान तो नहीं करता, सब बातें पूछेंगे उनसे। एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो भी बताएंगे और खाना भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये इनका पूरा सेटअप है। तो ट्रक देखिए आप थोड़ा सा इनका, तो यहीं सोते हो आप? इधर ही सो जाते हो? कितनी देर गाड़ी चला के चलाते हो? नाइट में मशीन चलाते हैं। अच्छा, और कोई दिक्कत होती है आपको, पुलिस वाले तंग करते हैं, कोई परेशानी होती है? दिक्कत तो हुई है। क्या है दिक्कत ऐसी? जहाँ परमिशन नहीं होता तो काम रुका, बारिश की वजह से दिक्कत तो हुई है। रखते हैं यहाँ से, चोरी हो गया हमारा ट्रैक्टर का, लिफ्ट गम गया, मोबाइल गम गया। अच्छा, मोबाइल ले जाते हैं? कैसे कैसे ले जाते हैं लोग? नाइट में यहाँ सो रहे थे, यहाँ से मोबाइल ले गए आते परसों के दिन। अच्छा, कोई और सो रहा था, कोई और? तो आप ऐसे ही तो देख सकते हैं भाई साहब हमारे, भैया आटा गूंद रहे। क्या नाम है आपका? दिलीप। हाँ दिलीप। क्या किचन सेटअप है, शानदार किचन सेटअप है इनका, शानदार इनका किचन सेटअप है जो बहुत ही गजब का है। और क्या बना रहे हो खाने में आप? दाल रोटी। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज कट रहे हैं अभी, उसके बाद टमाटर कटेंगे और तेल लगा पनीर बनाएंगे हम। रोटी ऑलरेडी बन चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो यार भाई बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना? कमेंट में लिख के ज़रूर देना आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ऐसे अतरंगी वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आता रहूँगा। एक भाई और आ गए हमारे साथ। आप चलाते हो गाड़ी? आप चलाते हो ये? तो क्या, कहाँ से कहाँ तक चलाते हो गाड़ी? यही चलती है मशीन। तो दोस्तों की जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी ट्रक में आ चुका हूं, और हमारे साथ हमारे जो भाई हैं सोनू गुजर हैं, वो ये ट्रक चलाते हैं। तो उनसे पूछेंगे कि क्या क्या दिक्कतें होती है उनको, और कैसे कहाँ खाना बनाते हैं, वो क्या करते हैं। खैर, खाने बनाने का वीडियो तो मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ, तो उसमें आप बिल्कुल लगे रहना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर लेना, वीडियो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वैसे ही मैं अतरंगी वीडियो आपके लिए नोमैडिक अभिमन्यु पे अभिमन्यु लेके आता रहता है, ठीक है? तो सोनू भाई हमारे साथ है, तो चलो अपना परिचय दो सोनू भाई। मेरा नाम सोनू गुजर, मैं प्रोफेसर के पास बंगलीपुड्डा गाँव का। अच्छा, हम ये गाड़ी चलाते हैं और अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम करते हैं। पाइपलाइन कौन सी पाइप है आपकी? है अभी तो फिलहाल जियो का चल रहा है, अंडरग्राउंड केबल का काम, पाइपलाइन का, गैस का। जियो का, गैस का? हाँ जी। ठीक है ठीक है। और ऐसे क्या परेशानी, क्या दिक्कत रहती है आपको?
परेशानी है, सिटी के अंदर परेशानी रहती है थोड़ी, कभी परमिशन वगैरह का लफड़ा रहता है, नाइट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, चोरी डकैती भी चोरी वोरी हो जाती है, गाड़ी वाले भी आपसे बदतमीजी करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत बार हो जाती है नाइट में, यहाँ भी हो जाती है। जी जी। और दूसरा, कितने साल के हो आप? मैं 24 साल का हूँ। गाड़ी कैसे चला रहे हो आप? गाड़ी 4-5 साल। लाइट जलेगी? लाइट नहीं तो करते रहते हैं, कई बार खड्डे वड्डे का लबड़ा चलता है, बारिश के अंदर जैसे खड्डों में पानी आ जाता है, पुलिस वगैरह परेशान करती है भाई। पुलिस और कोई नकली पुलिस भी मैंने देखा कई बार पैसे से लेती है, बहुत बार आ जाते हैं नाइट में, हो जाता है ऐसा, गार्ड वार्ड वगैरह रहते हैं वो भी कर लेते हैं, गार्ड वार्ड भी करते हैं। और क्या बताना चाहोगे दर्शकों को आप अपने बारे में, कि गाड़ी ट्रक लाइफ कैसी है आपकी, क्या मुश्किल है आसान है? ट्रक लाइफ अच्छी है लेकिन परेशान करते हैं सबको, बेकार लगती है थोड़ी। कितनी चला लेते हो गाड़ी आप, मतलब चलानी पड़ती है आपको? ये गाड़ी हमारा कम चलता है, मशीन चलाते हैं ज्यादा। मशीन चलाते मतलब केबल लाइन जिसे हम यहाँ कर रहे हैं, केबल का भी काम चलेगा, इतने दिन गाड़ी खड़ा ही रहेगा। तो ये केबल काम है यहाँ पर? ये हाँ जी, ये जो है ये देख सकते हैं आप, अंडरग्राउंड केबल होती है। अच्छा, अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड जाता है रोड क्रॉस। किस चीज के लिए? अच्छा, इतनी लंबी फाइबर की? हाँ, 400-500-600 फीट तक चली जाती है, उससे भी ज्यादा। किस चीज के लिए होती है ये? नेटवर्क के लिए होती है, जियो वगैरह। जियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। क्या बात है, तो ठीक है, अब खाना बन रहा है हमारा, है ना? तो खाना वगैरह देखते हैं, पनीर बन रहा है कि कैसे। तो गाड़ी लेके चलाते हो, गाड़ी लेके जाते हो आप? हाँ, गाड़ी लेके जाते हैं, पहले एमपी में काम चलता था, कभी गुजरात, कभी बॉम्बे, छत्तीसगढ़। अच्छा, ऑल इंडिया स्टेट, इंडिया में हर जगह। तो वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहता था आपका उधर? छत्तीसगढ़ तरफ में थोड़ा हार्ड रहता है। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा जंगल ज्यादा है, नक्सलवादी। छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में। नक्सली मिले थे कभी आपको? मिल जाते हैं वहाँ पे, मिले थे एक दो बार। अच्छा, परेशान करते हैं लोगों के लिए आपको? हमको भी परेशान, लोकल को तो नहीं करते हैं, बाहर वाले को परेशान करते हैं, मतलब काम करते हैं तो पैसा लेते हैं भाई, मतलब कमीशन रखते हैं भाई, इतना इस गांव में काम करोगे तो आपको इतना लगेगा। अच्छा, ये तो हरकतें होती हैं आतंकवादी टाइप नक्सलवादी। अच्छा, और आगे कहाँ गए हो आप? गुजरात के, गुजरात अच्छा है। और कोई एक्सपीरियंस बताओ ट्रक का, आपको मजा आ गया जो आपको अच्छा लगा हो जाना, आपको क्या रहा वहाँ जाने का मन है, वहाँ मजा आया वहाँ पर? गुजरात में अच्छा रहता है सबसे बेस्ट। क्या लगता है गुजरात में? गुजरात का माहौल ठीक है, सड़कें वगैरह सब अच्छी है, आदमी भी ठीक अच्छे हैं। और देखते हैं खाना कैसा बन रहा है, बेसिकली हमें ये भी जानना है ना खाना कैसा बन रहा है, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है, सही बन रहा होगा। ठीक है, अब ये देख सकते हो आप, ये इसमें हम ये गर्म हो रहा है, गैस वैसा भी अपने पास है, दो दो गैस है, दो टंकी है। तो खाना वगैरह आप खुद ही बनाते हो हमेशा कि? खुद ही बनाते हो, मतलब बाहर ढाबे वाबे में नहीं खाते? नहीं नहीं, अपने खुद ही खाना बनाते हो, ये सही है यार। और वेजिटेरियन खाना खाते हो आप? है, बढ़िया, शानदार, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। और अपना ऑयल कौन सा यूज करते हो? सरसों का? सरसों का, बढ़िया, बेस्ट सरसों का तेल होता है। ये हमारा तेल है, देखिए इसका आप देख सकते हैं जा रहा है, जीरो डालू? ये क्या डाल रहा है? जीरा डाल रहा है। जीरा डाल रहे हैं हमारे राजू भाई। ये हल्दी डाली जा रही है इसके अंदर, ये मिर्ची डाल रहे हैं, ये नमक डल रहा है इसमें,
देख सकते हो हमारा पनीर बन रहा है ये, और टमाटर वगैरह प्याज वगैरह सब ऐसे। तो खाना कब से बना रहे हो आप? ये है असली पकैया भाई साहब जो हमारे बैठे ना, ये है, लेकिन बना ये रहे, लेकिन ये ऑर्डर दे रहे। वैसे कब से बना रहे हो खाना भैया? 2 महीने बस, उससे पहले नहीं बनाना होता था? क्यों? पहले गांव में था ये। गांव में था। अच्छा, आप यहाँ पर आके सीखे हो तो बना लो। बढ़िया सीखे हो, बढ़िया। तो जो हमारी भाभी वो अच्छा बनाती है, आप अच्छा बनाते हो? वो ज्यादा अच्छा बनाती है भाभी तो, है ना अपनी? कितना साल हो गए शादी को आपके? 10-12 साल हो। 10-12 साल हो गए, सही चल रहा है सब? दिक्कत तो नहीं है? परेशान तो नहीं करती? तो खाना वही उन्होंने सिखाया है कि आपको किसने सिखाया? राजू भाई से ही सीखा। खुद ही सीख लिया इन्होंने? अरे यार, असली तो यही देखो, असली तो यही बैठे हैं, ये है असली, देख रहे हो आप इनको, राजू भाई हमारे। ये टमाटर डाल दिया? ये अब डाल दिया भैया ने टमाटर, राजू भाई ने टमाटर डाल दिए। और पहले यही खाना बनाते थे देखो। ये पहले इसको वो नहीं करोगे रंग से, ऐसी हो जाएगी? हो गया नहीं, टमाटर हो गया। चलो डाल दो। अब इसमें हमारा बन रहा पनीर, बड़े सिंपल तरीके से देखो दोस्तों बना रहे हैं हम, क्योंकि सब चीज़ें हमने क्या जल्दी में करी है, लेकिन एक बात है कि सिंपल है लेकिन अच्छा बन रहा है, टेस्ट अच्छा आ रहा है, तड़का वगैरह बढ़िया हो रहा है। कई बार हमारे घरों में भी ऐसा तड़का नहीं होता, जो राजू भाई तड़का लगाया ना, तो बहुत शानदार तड़का लगाया। तो सिखाया किसने आपको खाना बनाना? वही पहले भंडारी था, दूसरा मशीन लाइन में आने के बाद में सीखा सब गुजरात। पहले भंडारी थे क्या? अच्छा, बढ़िया बढ़िया। गुजरात में बनाया मैंने 2 महीना। 2 महीना गुजरात में? तो भाभी बनाती है बढ़िया कि आप बनाते हो? अभी तो मैं बनाता हूं। सही बताना तो दोनों में अगर टक्कर हो जाए तो खाना किसका बढ़िया है? सब्जी तो मेरी होगी, तो सब्जी और रोटी उनकी। यही तो बनती है वैसे, देखो यही बात है, रोटी जो है लेडीज अच्छी बना पाती है, पर ऐसा नहीं है, जो असली पकाई है ना वो बना लेते हैं रोटी भी। देख सकते हो आपकी आ जाऊंगा तो ये है सेटअप, ये है हमारा ट्रक, इसमें मशीन है सारी, ये फाइबर की लाइन है जियो की लगती है, जो नीचे आटा गूंदा हुआ हमारा यहाँ पर। थोड़ा अंधेरा है यहाँ, लेकिन फिर भी आपको दिख सकता है हम लोग यहाँ खाना बना रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप क्या पनीर बन रही है, मतलब ढाबा स्टाइल की सेल है इसके आगे, ठीक है ना। तो बढ़िया पनीर बन रही है, भैया ने भी बोला कि आप भी थोड़ा सा कोशिश कर लो बनाने, बोला ठीक है अपन भी बना लेते हैं। और ये देखो इसमें, तो ये बना रहे हैं हम सब्जी पनीर की, ऑर्डर बन गई, टमाटर वमाटर ढंग से बढ़िया आ गई, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं हम, पानी की भी यहाँ बाल्टी है अपने पास। बढ़िया मज़ा आ रहा है भाइयों के साथ, राजू भाई और हमारे भंडारा भाई हैं। तो हमारी सब्जी जो है पूरी पक चुकी है, आप देखो क्या खुशबू आ रही है यार, गजब और कमाल है। मतलब कि आपको रेस्टोरेंट में ढाबों में गारंटेड के साथ बता रहा हूँ, कहीं ऐसा खाना नहीं मिलेगा जो राजू भाई ने हमारे बनाया। तो नहीं, हम खाते नहीं है ना होटल वोटल पे, हम खुद ही बना के खाते हैं। खराब रहता है होटल वोटल का खाना। सही है सही है। अब देखिए हमारा आटा गूंदा जा रहा है इसमें। तो यार अच्छा वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी है, आप लोगों की बताने की कैसा वीडियो, कैसी लाइफ होती है हमारे ट्रक वाले भाइयों की, और क्या उनकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ होती है, कैसे वो खाना बनाते हैं, कैसे वो रहते हैं, कहाँ वो सोते हैं, सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करके बताना कोई बात हो कुछ हो।
अब तो बन चुकी है ये ढंग से ना। तो देखो भाई, हम ट्रक में आ चुके हैं, खाना खा रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही बड़े खाना है। देखिए आप, पनीर क्या शानदार पनीर लग रहा है देखने में ये, और रोटियां हैं बहुत बड़ी बड़ी गरम गरम रोटियां हैं भाई, राजू भाई ने हमें बनाई है, और साथ हमारे सोनू भाई भी है, सोनू गुजर भाई जो उनको बाद में दिखाएंगे। तो उससे बैठे और टेस्ट करते हैं यार खाना कैसा है। करें टेस्ट, करें स्टार्ट, अब खाएंगे हम थोड़ा सा, खा के सही से बताएंगे आपको रिव्यू कैसा है यार। देखो आपने होटलों में, ढाबों में, रेस्टोरेंट में और फाइव स्टार बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज जो हम खाना खा रहे हैं ना, ये हमारे जो ट्रक चालक भाई हैं हमारे, राजू भाई, उन्होंने बनाया है। तो फेल कर दिया आपने द्वार्थ के आगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार है। थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, पनीर बहुत टेस्टी है, हल्दी थोड़ी इसमें, आलू के हमारे के गांव साइड में भी हल्दी ज़्यादा डालते हैं, लेकिन यही तो डिफरेंस है। फिर अगर वैसे ही खाना होगा तो फिर इसमें उसमें क्या फ़र्क होगा, और मिर्ची भी शानदार है इसमें। तो बाकी दोस्तों, इनकी जो लाइफ होती है काफ़ी हार्ड होती है, इनको सामान लेके आना पड़ता है, कई बार इनकी चीज़ें चोरी हो जाती हैं, बताया मुझे कि इनका मोबाइल चोरी हो गया था, और कई बार फेक पुलिस वाले भी आ जाते हैं, दयास फॉर मनी, यू नो, ब्राइब, ये सब चीज़ चलती हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया अपने हिसाब से रहते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और जिस तरह ये ट्रीट करते हैं शायद आपको और लोग ट्रीट नहीं करेंगे, बस कहने के लिए है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्यवहार बहुत अच्छा है इन लोगों का। तो खाना ही बहुत टेस्टी है, छाछ वगैरह हमारे सारी चीज़ें हैं हमारे पास, और हमारे गुजर भाई उनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है खाना। सही है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ, बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यार, सच में अच्छा लग रहा है आपके साथ टाइम बिताने से, बहुत अच्छा लगा। कभी भी जयपुर आओ आप, हफ्ते 10 दिन में जो बताना मुझे। तो अगला देते हम खाना खाते हैं थोड़ा सा हम, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, और वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही मिलते रहेंगे आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ मैं आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग नोमैडिक अभिमन्यु।